आदरणीय सुरजेवाला जी ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया है कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए जो षड्यंत्र सत्ता के लालची लोग, भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कर रहे थे, वो निश्चित रूप से जनता के सामने आ गया है। और जो रहा बचा खुचा है वो मैं समझता हूँ जो पुलिस केस है उसके बाद में सामने आ जाएगा। गजेंद्र सिंह जी ने कल एक ट्वीट करके, मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो मुझे ये कहा था कि महाराणा प्रताप की महानता और स्वाभिमान, और हम देश महान मानते हैं, आप परिवार को महान मानते हो। मैं उसके ऊपर अपनी बात कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं उस परिवार को महान मानता हूँ जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव जी शहीद हो गए, उस परिवार को महान मानता हूँ, उस पार्टी को महान मानता हूँ जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद किया। लेकिन मैं गजेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप ने उनकी महानता, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनका स्वाभिमान के पाठ में कहीं ये बात तो नहीं थी कि वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब करके इस प्रकार का घिनौना करके लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को उखाड़ने के लिए करें। गजेंद्र सिंह जी को और राजस्थान की जनता ने मोदी जी की सरकार को इसलिए भेजा था कि राजस्थान में जो पानी की कमी है, वैसे लोगों की आप प्यास बुझाइए, पानी दीजिए, लेकिन वो पानी की गंगा नहीं ला करके, भ्रष्टाचार की गंगा ला करके चुनी हुई सरकार को और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उनमें अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची है तो वो इस्तीफा दें और तुरंत प्रभाव से मोदी जी महाराष्ट्र में एक लांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से भी चुनी सरकार, मनोनीत सरकार को एक मिनट में ट्वीट करते हैं। आज इतने दिन बाद में भी प्रधानमंत्री जी किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे हैं और कल के बाद में तुरंत प्रभाव से गजेंद्र जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिकता की बात करती है, वो स्वाभिमान की बात करती है, वो देश महान की बात करती है, तो उसको तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त करना चाहिए।